नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो हिंदी। आज मैं आ चुका हूँ कायम सिंह कोल्ड स्टोरेज प्रतापपुर पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर आलू की कटाई चल रही है और ये जो आलू है आपको वीडियो में दिखा रहे हैं ये ख्याति आलू है और इस आलू में चेचक भी लगी हुई है आपको दिखा रहे हैं। ये आलू व्यापारी द्वारा आज से 8 से या 10 दिन पहले खरीदा गया था और इसकी आलू की कटाई चल रही है। अभी कोल्ड स्टोरेज में बिक्री बहुत ही कम चल रही है। आज हम सियाराम कोल्ड स्टोरेज में इससे पहले गए थे, उसमें आज नीलामी भी आलू की कैंसिल कर दी गई है। आलू जो कि व्यापारियों द्वारा पिछले दिनों पहले का आलू ख़रीदा हुआ है वो अभी नहीं निकाल पाया है। और आपको इस बरामदे में भी दिखा रहे हैं जो हम पिछले दिनों आपको आते थे और वीडियो में दिखाते थे तो पूरा बरामदा भरा हुआ रहता था। अब जो व्यापारी द्वारा आलू की निकासी ठीक ठाक नहीं चल रही है, जो आलू सस्ता होने के वजह से निकासी भी कम हो गई है। आज यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं वीडियो में एक लाइट आलू की काटी जा रही है जो हाइब्रिड आलू की है, ख्याति आलू की। अगर आलू के रेट की बात की जाए तो पिछले दिनों से आलू सस्ता हो गया है। अभी हमने यहाँ पर जो किसान भाई बैठे थे उनसे आलू के बारे में बात की तो वो बता रहे थे कि आलू पिछले यहाँ पर आज से 15 दिन पहले हाईएस्ट हाईब्रिड आलू 1291 रुपये पैकेट की बिक्री हुई थी कायम सिंह कोल्ड स्टोरेज में। लेकिन अभी जो आलू हाईएस्ट अगर बिक्री की बात की जाए जो पिछले संडे को हुई थी तो उस दिन इस कोल्ड स्टोरेज में 1050 रुपये हाईब्रिड आलू की बिक्री हुई थी। अगर आलू लगभग 200 रुपये पैकेट का पर सस्ता हो चुका है। और जो अगर न्यू हॉलैंड लाल आलू की बात की जाए तो लाल आलू लगभग जो पिछले दिनों पास से 8 से 10 दिन पहले जो कि 1500 रुपये पैकेट तक की बिक्री हो रही थी, अब कल जो हमने आपको नीलामी में दिखाया था वो 1270 रुपये पैकेट की नीलामी हुई थी न्यू हॉलैंड। अगर और जो 3797 चिप्सोना की बात की जाए तो 3797 और चिप्सोना आलू की बिक्री वो भी 1100 रुपये पैकेट से ऊपर की बिक्री नहीं हो रही है। सभी आलुओं पर रेट सस्ते हो गए हैं। जो पश्चिम बंगाल में आलू का प्रतिबंध लगा है बाहर जाने से अदर स्टेट जाने में पर तो ये बता रहे हैं उस प्रतिबंध की वजह से अगर आसाम और गुवाहाटी वगैरह यहाँ से आलू बिक्री के लिए जाता है तो उन व्यापारियों को भी परेशानी होती है। आपको दिखा रहे हैं हम पूरे बरामदे में आलू की निकासी पिछले दिनों से कम हो रही है और जो व्यापारी आलू को ख़रीद रहे हैं तो उन व्यापारी का भी आलू स्टोर में ख़रीदा हुआ किसी का 5000 कट्टे किसी का 10000 कट्टे स्टॉक लगा हुआ है तो इस वजह से व्यापारी भी कम ख़रीद रहे हैं आलू को सस्ता होने के वजह से। और जो किसान हैं वो आलू की बिक्री करते हैं लेकिन बिक्री करने के बाद जो आलू के कम रेट जो उनके मन मुताबिक रेट नहीं मिल पाते हैं उसकी वजह से जैसे अगर 1050 रुपये पर आलू की नीलामी रुकी तो किसान का जो पिछले 15 दिन पहले आलू की बिक्री उसी आलू की बिक्री 1200 रुपये या 1250 रुपये पैकेट हो रही थी 250 रुपये किसान को सस्ता आलू लग रहा है। इस वजह से किसान आलू की बिक्री भी नहीं कर रहे हैं तो कई कोल्ड स्टोरेज में आलू की नीलामी कैंसिल हो रही है। जैसे अभी हम सियाराम कोल्ड स्टोरेज में गए थे वहाँ पर आलू की नीलामी कैंसिल हो गई और जो लाली सीताल में पिछली 2 नीलामी कैंसिल हो गई और ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज में आलू की नीलामी कैंसिल हो रही है। और जहाँ पर हम बरामदे में पहले दिखाते थे बरामदे में पूरा भरा हुआ आलू लगा हुआ रहता था अब आलू की निकासी भी कम हो चुकी है। और कई मैनेजर और कोल्ड स्टोरेज के ओनर और भी किसानों से बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि आलू की जो बिक्री जो जुलाई के महीने में निकासी की अगर रिपोर्ट की जाए तो मई और जून के महीने से जुलाई के महीने में आलू की निकासी भी कम हुई है। तो उस हिसाब से अगर और भी अगर निकासी की परसेंटेज की बात की जाए तो 15 से 20% तक कोल्ड की निकासी अभी तक हो चुकी है। और भी आलू की रिपोर्ट जानने के लिए हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। आज 1 अगस्त 2024 को मैं कायम सिंह कोल्ड स्टोरेज में आई और यहाँ पर हमने आपको आलू की जो निकासी चल रही है किस प्रकार स्लो हो गई है और जो कायम जो हम सियाराम कोल्ड स्टोरेज में गए थे उसमें नीलामी कैंसिल हो गई है। जो व्यापारियों का पिछले दिनों वो उन्होंने हमने पूछा कि क्या कारण था निकासी जो नीलामी नहीं हो रही है तो उन्होंने कारण बताया कि जो व्यापारी का पिछले दिनों जो ख़रीदा हुआ आलू था
वो ही बिक्री नहीं की, तो इस वजह से कोल्ड स्टोरेज में नीलामी कैंसिल हो रही है। और इसी प्रकार की आलू संबंधित वीडियो पाने के लिए, आलू की रिपोर्ट जानने के लिए हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।